हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द सेल विद सेल रिएक्शन जिंक प्लस Cu2 पॉजिटिव टू जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर इज गिवन टू अस, दैट इज 1.1 वोल्ट। सो वी हैव टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी फॉर द सेल रिएक्शन एंड एफ दैट इज फैराडेज कॉन्स्टेंट इज गिवन टू अस। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमें की कंसेप्ट चाहिए दैट इज कि हमें जो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी होती है दैट इज डेल्टा जी नॉट, वो पता होनी चाहिए किसके इक्वल होती है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल के। अब क्वेश्चन में जो ई नॉट सेल है वो हमें गिवन है दैट इज 1.1 वोल्ट, एफ की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 96487 कूलम पर मोल। अब हमारे पास जो रिएक्शन है उसमें गिवन है कि जो जिंक सॉलिड है वो कन्वर्ट हो रहा है Zn2 पॉजिटिव में। सो यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जो जिंक है वो Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, प्लस हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और जो Cu2 पॉजिटिव है वो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके हमारे पास बन जाएगा कॉपर। सो ओवरऑल अगर हम रिएक्शन लिखते हैं तो दैट विल बी जिंक प्लस Cu2 पॉजिटिव फॉर्म्स Zn2 पॉजिटिव प्लस 2। सो इस केस में जो n आ रहा है वो 2 आ रहा है क्योंकि इस केस में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स कट हो रहे हैं अगर हम ओवरऑल रिएक्शन लिख रहे हैं। सो हमारे पास डेल्टा जी नॉट किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस 2 इंटू 96487 इंटू 1.1। सो ये हमारे पास आ गया माइनस 212271.4 जाउल। सो अगर हम इसको किलो जाउल में करेंगे दैट विल बी माइनस 212.271 किलो जाउल पर मोल। सो दैट मीन्स आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। होप यू फाइंड द आंसर। बेस्ट ऑफ लक।